से आगे हम आपको बताते चले, हरियाणा और पंजाब से जो किसान आ रहे हैं उन्होंने यहाँ दिल्ली पुलिस के बैरिकेडर तक के उखाड़ दिए हैं। ये देखना होगा, अभी एक ट्रक और बस को आगे धकेल दिया है, काफ़ी आदमी उससे बचे हैं क्योंकि वो तो सीधा का सीधा पेलम पेल चल रहे हैं। इतनी फोर्स का इंतजाम होने के बावजूद भी आंसू गैस के गोले लगातार चलते जा रहे हैं, लेकिन किसान रुकने के लिए तैयार नहीं है। ये बड़ी खबर होगी। आप देख रहे हैं फिलहाल सिंधु बॉर्डर पर किसानों ने कब्जा कर लिया है। देखना होगा कि दिल्ली पुलिस किसानों के सामने नर्वस दिखाई दे रही है। फिलहाल ये बड़ी खबर निकल कर आ रही है जिसमें कि दिल्ली पुलिस कैनन वाटर का भी इस्तेमाल कर रही है और गोले भी छोड़े जा रहे हैं, आंसू गैस के गोले लगातार छोड़े जा रहे हैं और पानी का भी प्रयोग कर रही है, लेकिन किसान हटने को तैयार नहीं है। ये बड़ी खबर होगी। आप देख सकते हैं कि फिलहाल किसानों ने सिंधु बॉर्डर पर कब्जा कर लिया है, ये मान लीजिए, और किसान हटने को तैयार नहीं है। किसान जिद पर अड़े हुए हैं कि हमें दिल्ली जाना है और वो जाकर ही रहेंगे। ये बड़ी बात होगी। आखिरकार सरकार इनकी बातों को क्यों अनदेखा कर रही है, सरकार इनकी बातों को मान क्यों नहीं रही है, ये देखना होगा। फिलहाल ये बड़ी खबर निकल कर आ रही है जिस तरीके से किसानों यहाँ पर सिंधु बॉर्डर पर खड़े हुए हैं और आधे पे कब्जा कर चुके हैं और आधे अभी बाकी है। वहीं दिल्ली पुलिस और दिल्ली प्रशासन पूरा का पूरा नर्वस दिखाई दे रहा है। अब देखना होगा कि कब तक आखिरकार ये लड़ते रहेंगे, एक घंटा या दो घंटा, मुश्किल से खींच के ज़्यादा से ज़्यादा एक या दो घंटे के अंदर यहाँ से किसान दिल्ली के लिए कूच कर देंगे। दिल्ली सिंधु बॉर्डर पर फिलहाल किसान खड़े हुए हैं और आधे से ज़्यादा सिंधु बॉर्डर को किसानों ने अपने हक में ले लिया है, खुद बैठ चुके हैं। जहाँ दिल्ली पुलिस बराबर गोलों का इस्तेमाल कर रही है, वाटर कैनन का इस्तेमाल कर रही है, लेकिन किसान पीछे हटने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। जिस तरीके की वीडियो ये निकल के आ रही है आप खुद देख सकते हैं। एक ड्राइवर ने ट्रक में बैठा, उसके आगे बस्सी धकेलते चले गए और कई आदमी उसमें जख्मी होने से बचे। जो BSF के जवान भी थे वहाँ खड़े हुए और दिल्ली फोर्स के जवान भी खड़े हुए थे। काफ़ी सारे लोग इस हादसे के शिकार हो सकते थे, लेकिन फिलहाल देखना होगा क्या सरकार को, सरकार की मंशा आखिर क्या है। जिस तरीके से इनका विरोध प्रदर्शन है इसको सरकार शांत भी करा सकती थी, लेकिन सरकार फिलहाल उस काम को करने के लिए तैयार नहीं है। क्या जवान और किसान आपस में लड़ता हुआ ठीक लगता है, ये एक बड़ी बात है कि जिस तरीके से आज किसान परेशान हैं और जवान और किसान दोनों सामने खड़े हुए हैं, अब क्या करेंगे। लेकिन जो पंजाब हरियाणा से लोग आ रहे हैं उन्हें रोकना नामुमकिन नज़र आ रहा है। ये एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है। अब देखना होगा कि आगे की क्या पोजीशन दिल्ली पुलिस या किसानों की रहेगी। बाकी सब देखते रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, लाइक करना ना भूले। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमसे जुड़े रहें। पल पल की रिपोर्ट हम यहां से आपको दे रहे हैं। जिस तरीके से यहां पर सरकार की मनमानी चल रही है उस तरीके से किसान भी अपनी मांगों पर अड़े हुए नज़र आ रहे हैं। अब देखना होगा कि इसमें जीत किसकी होती है और हार